मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ, चैप्टर आपका 3 है, कंप्यूटर की संरचना एवं उसके भाग। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट इससे पहले मैं बना चुका हूं। ये आपका है पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट बना चुका हूं कि मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स। तो अब देखिए, इसमें मैंने एक लेक्चर पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, जिसमें मेमोरी मैंने पढ़ाया था, जिसमें आपको ये पार्ट मैंने पढ़ा दिया था। हम लोग को रोम पढ़ना है। देखिए रोम क्या होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मीन्स अस्थाई मेमोरी होता है। मीन्स रोम एक ऐसी प्रकार की मेमोरी है किसमें एक बार किसी भी डाटा को लिख दिया जाता है तो केवल उसे पढ़ा जा सकता है। ना तो इसमें कोई चेंजेस किया जा सकता है और ना ही इसमें कोई चीज बदला जा सकता है। मीन्स ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई चीज हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो रोम क्या होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक अस्थाई मेमोरी होती है। इसमें एक बार सूचना स्टोर कर देने के बाद पुनः उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए रोम के 3 भाग होते हैं, प्रोम ई प्रोम। तो देखिए प्रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह एक इस प्रकार की मेमोरी होती है जो स्टार्टिंग में खाली होती है। उसके बाद उसमें एक विशेष उपकरण द्वारा सूचनाओं को स्टोर कर दिया जाता है और एक बार सूचना स्टोर हो जाने के बाद उसमें ना तो आप चेंजेस कर सकते हैं ना तो उसमें कोई चीज डिलीट कर सकते हैं। तो प्रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्रारंभ में खाली होता है, उसके बाद किसी विशेष उपकरण द्वारा इसमें सूचनाएं स्टोर की जाती है। स्टोर कर देने के बाद ना तो उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं ना तो उसमें कोई चीज डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद रोम का सेकंड पार्ट है ई प्रोम। तो ई प्रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी प्रोम के ही समान होता है, लेकिन इसमें सूचनाएं लिख देने के बाद अल्ट्रा वायलेट रे मीन्स प्राबैगनी किरण की सहायता से इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, एक प्राबैगनी किरण होता है, अल्ट्रा वायलेट रे, जिसके द्वारा हम लोग लिखी सूचनाओं को इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। उसके बाद उपयोगकर्ता किसी भी सूचनाओं या प्रोग्राम को उसमें स्टोर कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। इसके बाद अगला है ई प्रोम। देखिए ई प्रोम मीन्स क्या होता है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो यह भी ई प्रोम के समान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बार सूचनाएं लिख दी जाती है तो उसे विद्युत के द्वारा उसे इरेज करके उपयोगकर्ता किसी भी सूचनाओं को स्टोर कर सकता है। मीन्स क्या है, इस प्रोम में एक बार लिखा जाता है, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। इसमें चेंजेस किया जाता है प्राबैगनी किरण के द्वारा उसको इरेज करके उसके बाद उसमें सूचनाएं स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें विद्युत के द्वारा क्या होता है कि उसको इरेज करके मीन्स उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपका है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी मीन्स क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी को बाह्य मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मीन्स बाय या एक्सिलरी मेमोरी मीन्स सहायक।
तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें एक बार सूचनाएं लिख दिया जाता है तो उसके बाद उस सूचनाओं को हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर कर दिया जाता है और कभी भी जरूरत पड़ने पर उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आपका है हार्ड डिस्क, मीन्स देखिए वर्तमान समय में हार्ड डिस्क डाटा स्टोर करने की सबसे मीन्स से अच्छी मेमोरी है। हार्ड डिस्क मीन्स क्या होता है, वर्तमान समय में द्वितीयक मेमोरी का प्रमुख एक उदाहरण है। यह एक अस्थाई मेमोरी होता है। अस्थाई मीन्स क्या होता है, इसमें एक बार सूचनाएं लिख दी जाती है तो उसके बाद उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी मीन्स क्या होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या होता है कि सूचनाएं एक बार लिख दिया जाता है तो स्टोर हो जाता है और मीन्स कभी भी जरूरत पड़ने पर उपयोगकर्ता उसको चेंजेस कर सकता है। इसके बाद आपका है फ्लॉपी डिस्क है। देखिए फ्लॉपी डिस्क भी द्वितीयक मेमोरी का मीन्स क्या है, एक एग्जाम्पल है। फ्लॉपी डिस्क मीन्स क्या होता है, या छोटी लचीली एक गोल प्लेट होती है। फ्लॉपी डिस्क मीन्स क्या होता है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल होता है। यह एक छोटी गोल प्लेट होती है और इसमें क्या होता है, जिसके दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ की लेयर लगी होती है और लेयर लगी होती है जिसमें सूचनाएं स्टोर की जाती है। इसके बाद है आपका मैग्नेटिक टेप। तो देखिए मैग्नेटिक टेप क्या होता है, चुंबकीय टेप जिसे हम लोग कहते हैं। चुंबकीय टेप आंकड़ों को संग्रहित करने की सबसे पुरानी इकाई है। यह बहुत बड़े आंकड़ों को स्टोर कर सकती है और उन पर प्रक्रिया करने का भी कार्य करती है, जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। मैग्नेटिक टेप पे क्या होता है, एक आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है और उस पर चुंबक प्रदान किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे पहले कैसेट चलती थी रील की, और मीन्स डीवीडी वीसीआर चलता था जिसमें मीन्स कैसेट लगती थी और कैसेट क्या होती थी, तो उसमें रील लगी होती थी और उस रील वो रील जो होता था वो मैग्नेटिक टेप होता था जिसमें आयरन ऑक्साइड की एक परत चढ़ी होती थी और जिसे बाद में उसमें एक चुम्बक प्रदान किया जाता था। इसके बाद है सीडी है। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है। यह एक अस्थाई मेमोरी होता है। इसमें एक बार सूचनाएं स्टोर कर देने के बाद उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसे आप केवल पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसमें और कोई भी चेंजेस हम आप नहीं कर सकते हैं। एक बार लिख दी जाती है सूचनाएं तो हमेशा स्टोर हो जाती है। जैसे आप लोग सीडी चलाते हैं तो उसमें एक बार जो फिल्म होती है उसी को आप बार बार देखते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस हम आप नहीं कर सकते हैं। ये आपका मेमोरी टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद आप है इनपुट इकाई के साधन। इनपुट इकाई के साधन मीन्स इसमें हम लोग को पढ़ना है कौन कौन सी इनपुट इकाई होती है। तो देखिए इनपुट इकाई सबसे पहला आपका होता है कीबोर्ड। सबसे पहले इनपुट इकाई आपका होता है कीबोर्ड। तो देखिए कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इनपुट इकाई का सबसे प्रमुख साधन होता है। यह एक टाइपराइटर की तरह होता है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर पर किसी भी सूचनाओं को प्रविष्ट करते, प्रविष्ट मीन्स इंटर किया जाता है। तो कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा आपका होता है माउस। देखिए माउस भी आपको ये चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। देखिए माउस भी क्या होता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है, या मीन्स इसे हम लोग एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, सांकेतिक डिवाइस भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को चलाते हैं। और माउस में तीन बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक स्क्रॉल बार होता है। तो माउस क्या होता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है। और माउस मीन्स क्या होता है, एक सांकेतिक मीन्स पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसे समतल
समतल सतह पर रखकर सरकाया जाता है। और माउस में क्या होता था, अब तो ऑप्टिकल माउस आने लगे, जो पहले माउस थे उसमें क्या होता था, एक मिंस गोली लगी होती थी। जब उस माउस को समतल दर्पण पर हम लोग मिंस सरकाते थे तो वो जो गोली होती थी वो मूव करती थी, जिससे कर्सर क्या होता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता था। और इसके बाद अगला है आपका, तीसरा है लाइट पेन। तो देखिए लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन का उपयोग मीन्स चित्रों को कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जैसे मीन्स सिंपल से हम लोग पेन यूज करते हैं तो पेन क्या होता है, आपके सीपीयू से अटैच होता है, जो भी कॉपी पर हम लोग फिगर बनाएंगे मैटर लिखेंगे वो आपके मेमोरी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर है आपका जॉयस्टिक। देखिए जॉयस्टिक भी आपका एक मीन्स क्या होता है, इनपुट इकाई होता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। एक क्षैतिक होता है, जैसे ये आपका मार्कर है ऐसे होगा, और इसे गेम कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला होता है फिफ्थ नंबर है आपका फाइव, स्कैनर। देखिए स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग चित्रों तथा लिखित सामग्रियों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग लिखित सामग्री या चित्रों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर्म भराते समय हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर और फोटो को स्कैन करते, सेम वही स्कैनर है। अगला है सिक्स नंबर OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो देखिए यह एक विशिष्ट प्रकार का स्कैनर होता है, ऑप्टिकल स्कैनर होता है, जो पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए चित्रों को पढ़ने के काम आता है। मीन्स OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। यह एक विशिष्ट प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर होता है। इसका उपयोग पेंसिल या पेन से लिखी गई, पेंसिल या पेन से बनाए गए चित्रों को पढ़ने के काम आता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग मीन्स उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो वहां पर OMR मिलता है। OMR मीन्स क्या होता है, पेंसिल या पेन द्वारा क्या होता है, चित्रों को रंगा जाता है। तो जो OMR मीन्स इनपुट डिवाइस है, एक काम क्या करता है, जो उत्तर पुस्तिकाएं होती है उसको जांचने के काम आती है। इसके बाद अगला है और लास्ट है सेवन नंबर BCR। इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। देखिए बार कोड रीडर मीन्स क्या होता है, यह भी एक विशिष्ट प्रकार का स्कैनर होता है जिसका उपयोग बार कोड पढ़ने में किया जाता है। देखिए जब कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें एक बार कोड बना दिया जाता है। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें बार कोड होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये बार कोड है, ये देखिए ये बार कोड है, BCR है, बार कोड रीडर। तो इसको रीड करने के लिए चौड़ी पट्टी में है तो इसको रीड करने के लिए BCR का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या था, इनपुट इकाई के साधन। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो आउटपुट इकाई के साधन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।